हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फिटनेस मैटर। फिटनेस मैटर में आप सबका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं 10 मिनट्स बेली बर्न वर्कआउट। बेली बर्न वर्कआउट में आप अपने जो टायर्स होते हैं, साइड्स के टायर्स होते हैं, आपका स्टबन फैट होता है, आप उसको इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। और आपको इसमें ज़्यादा देर तक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली 10 मिनट्स का वर्कआउट करके एक महीने तक कंटिन्यू करके अपने फैट को बर्न कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कुछ आसन, कुछ एक्सरसाइज, जिससे कि हम अपने बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, वार्म अप कर लेते हैं, रोटेशन कर लेते हैं नेक का, देन आर्म्स वर्कआउट कर लेते हैं। 3 times clock, 3 times anti-clock, वेस्ट रोटेशन, 3 times clock, 3 times anti-clock, साइड स्ट्रेच कर लेते हैं ताकि हमें बाद में कोई भी स्ट्रेन या फिर क्रैम्प ना आए। 10 seconds hold, अदर साइड 10 seconds hold, काउंट, यू कैन ऑल्सो काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कम अप। नाउ फॉरवर्ड बेंडिंग, जिसे हम पादहस्तासन या फिर फॉरवर्ड बेंडिंग बोलते हैं, डाउन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनहेल अप। तो सबसे पहले हम फर्स्ट आसन करेंगे जिसमें हम प्लैंक करेंगे। ओके, तो हम प्लैंक करने वाले हैं। प्लैंक के लिए हम लेटेंगे, लेटने के बाद दोनों हाथों से कुछ इस प्रकार ग्रिप बनाएंगे और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे, अपनी पूरी बॉडी को ऊपर उठा देंगे और अपने दोनों टोज़ को नीचे रखेंगे, अपने हथेलियों को नीचे रखेंगे। आप सामने देख सकते हैं या फिर अपने हाथों को भी देख सकते हैं। उसके बाद टमी को स्क्वीज कर दीजिए और होल्ड करिए फॉर 10 counts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगेन डाउन, पहले नी डाउन देन चेस्ट डाउन, आराम से नीचे आ जाइए। फिर से श्वास भरते हुए सेकेंड राउंड करेंगे इसी का, इनहेल एक्सहेल, फिर से इनहेल कम अप एक्सहेल, टमी स्क्वीज एंड होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डाउन। लास्ट टाइम करेंगे एक और काउंट 10 seconds, जितना आप ऊपर उठ सकते हैं उतना ऊपर उठिए, 10 seconds के लिए होल्ड करिए, पूरी बॉडी को एक प्लैंक पोजीशन में लाइए, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में। स्क्वीज़ करते हुए बेली को होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डाउन। यहीं से हम करेंगे लिजार्ड पोस्चर। लिजार्ड पोस्चर आप कैसे करेंगे, आप प्लैंक पोजीशन में आएंगे। प्लैंक पोजीशन में आने के बाद अपने राइट वाले पैर को पहले आगे लाएंगे और फिर पैर पीछे ले जाएंगे, फिर अपने दूसरे पैर को आगे लाएंगे और दूसरा पैर पीछे ले जाएंगे और फिर दूसरा पैर पीछे ले जाएंगे। इस प्रकार लेट्स स्टार्ट फॉर 10 counts, 1, back, 2, back, 3, back, 4, back, 5, back, 6, back, 7, back, 8, back, 9, back, 10, back। इस प्रकार 10 counts के बाद धीरे धीरे डाउन। यहीं से 10 counts और करेंगे, इस आसन को दोबारा करेंगे, यानी कि लिजार्ड पोस्चर को प्लैंक पोजीशन में आने के बाद दोबारा से करेंगे। लेट्स स्टार्ट, कम इन अ प्लैंक पोजीशन लाइक दिस एंड लेट्स स्टार्ट। 1, back, 2, back, 3, back, 4, back, 5, back, 6, back, 7, back, 8, back, 9, back, 10, back, down, inhale, exhale, you can also take 10 seconds rest, अगर आप ज़्यादा बर्न करना चाहते हैं तो आप 5 seconds के रेस्ट के बाद भी ऊपर आ सकते हैं, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस 5 seconds तक का ब्रेक ले सकते हैं और उसके बाद फिर से ऊपर आ सकते हैं। तो आइए कम इन अ प्लैंक एंड स्टार्ट, लास्ट राउंड 10 counts, 1, back, 2, back, 3, back, 4, back, 5, back, 6, back, 7, back, 8, back, 9, back, 10, and down, relax। अब यहीं से चाइल्ड पोज में जा सकते हैं, अपने नीज को बेंड करते हुए गो डाउन लाइक दिस, पूरा इनहेल पूरा एक्सहेल। तो अब हम इस चाइल्ड पोज के बाद हम करेंगे माउंटेन क्लाइंबर। माउंटेन क्लाइंबर करने के दो तरीके हैं, पहले मैं आपको इजी वे बताऊंगी
उसके बाद मैं आपको उसका थोड़ा सा मॉडरेट डिफिकल्ट वे बताऊंगी। जैसे कि हम नॉर्मली कैट एंड काउ पोज में आते हैं, इसमें आ जाएंगे, अपनी दोनों हथेलियों को हम मैट पे रखेंगे, उसके बाद हम स्लोप पोजीशन में आएंगे लाइक दिस। या तो आप अपने पैरों को आगे ला सकते हैं, इस तरीके से मैट पर रख सकते हैं, राइट लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट कुछ इस प्रकार, या फिर मॉडरेट तरीका जिसको हम करेंगे अभी, आप अपने नी को अपने एल्बो तक ला सकते हैं कुछ इस प्रकार, और इसको हम फास्ट फास्ट करेंगे फॉर 10 काउंट्स 3 राउंड्स। तो आइए करते हैं मॉडरेट वे में माउंटेन क्लाइंबर, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड डाउन। राउंड टू करेंगे इसी के साथ, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। लास्ट राउंड करेंगे माउंटेन क्लाइंबर, लुक इन फ्रंट एंड बॉडी शुड बी इन अ वन स्लोप वे, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स इन चाइल्ड पोज पोजीशन अगेन, गो डाउन रिलैक्स। इसी के साथ अब हम करेंगे अपने लेग्स की किक्स, यानी कि हम अगेन स्लोप वाले पोजीशन में आएंगे और पीछे से अपनी लेग्स को रेज करेंगे कुछ इस प्रकार, अगेन कम इन स्लोप पोजीशन लाइक दिस एंड विल हैव टू रेज आर लेग्स इस तरीके से। आपको अपने पैर को बहुत ऊपर नहीं उठाना है, हम अपने पैरों को सिर्फ अपने हील तक उठाएंगे इस तरीके से। जब हम अपने पैर को हील तक उठाएंगे तो जो हमारा पेट है वो बिल्कुल ही हमारा टाइट हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा। तो आइए करते हैं इसको भी 10 काउंट्स के लिए 3 राउंड्स, लेट्स स्टार्ट। स्लोप में आएंगे जैसे हम पहले आए थे एंड रेज योर लेग्स अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड डाउन। अगर आपके हैंड्स में पेन हो जाएगा इस तरीके से रखे रखे, तो आप बीच में अपने हैंड्स को रोटेट कर सकते हैं, फिस्ट को रोटेट कर सकते हैं, एंटी क्लॉक क्लॉक, पूरा गहरा लंबा श्वास लीजिए और बाहर निकालिए ताकि आप ब्रेथलेस ना हो जाएं। बीच बीच में अपने अकॉर्डिंग आप श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जितनी इंटेंसिटी से मैं कर रही हूँ आप उतनी इंटेंसिटी से करें। अगर आप में ज़्यादा पावर है, आप ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कर सकते हैं, तो मुझसे ज़्यादा इंटेंसिटी में वन गो में आप पूरा वर्कआउट ईजीली कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट सेकेंड राउंड, कम इन स्लोप, लुक इन फ्रंट एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। लास्ट राउंड करेंगे एक और बार, इनहेल एक्सहेल अप, स्क्वीज योर बेली एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 डाउन एंड रिलैक्स्ड। शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं आप, नेक रोटेशन। इसी के साथ अब हम करेंगे बोर्ड पोज। तो अब हम माउंटेन क्लाइंबर की बात करेंगे बोर्ड पोज। बोर्ड पोज में आपको क्या करना है, दोनों हाथों को स्ट्रेट रखना है, अपने लेग्स को ऊपर इस तरीके से उठा के रखना है और बॉडी को स्ट्रेट, कमर को बिल्कुल सीधा, गर्दन को एकदम सामने इस तरीके से आप होल्ड करेंगे। अगर आपसे ये पोजीशन होल्ड ना हो तो आप अपने दोनों लेग्स को कुछ इस प्रकार नीचे रख सकते हैं, बॉडी को थोड़ा पीछे और हाथों को सामने रख सकते हैं। अगर आपको सर्वाइकल है, गर्दन में दर्द रहता है, हाथ सामने नहीं रख सकते हैं, तो दोनों हाथों को इस तरीके से रख सकते हैं या फिर चेस्ट के पास कुछ इस प्रकार से वॉरियर पोज में इस तरीके से रख सकते हैं। अगर आपको बार बार बैक में पेन होता है तो आप पूरा नीचे लेट सकते हैं हर ब्रेक के बाद और इस प्रकार करवट लेके ऊपर आ सकते हैं। कोशिश करिए कि लेग्स आपकी ऊपर इजीली आ पाए, आप सामने देखें बिल्कुल टॉल, सामने कोई एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए जिसको आपको बार बार देखना है। जैसे कि मैं एकदम सामने देख रही हूँ, आपको भी सामने देखना है। आप 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे 5 टाइम्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेग्स अप, हैंड स्ट्रेट, बॉडी ऊपर बिल्कुल सामने की तरफ एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेग्स डाउन। आप लेट सकते हैं और आप नॉर्मली इस पोजीशन में आगे आ सकते हैं पश्चिमोत्तानासन में, जो आपको सूट करे आप उस पोजीशन में इजीली आ सकते हैं। राउंड टू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेग्स डाउन। फिर से श्वास भरते हुए एंड श्वास छोड़ते हुए लेग्स अप, बॉडी बैक, लुक इन फ्रंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर से श्वास छोड़ते हुए अगेन आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। लास्ट राउंड करेंगे यानी कि फिफ्थ राउंड, इनहेल एक्सहेल लेग्स अप, हैंड स्ट्रेट। 1
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन डाउन बेंड फॉरवर्ड डाउन एंड रिलैक्स्ड। तो इसके बाद अब हम करेंगे रशियन ट्विस्ट। रशियन ट्विस्ट में आप अपने दोनों लेग्स को कुछ इस प्रकार रख सकते हैं और बॉडी को पीछे रखेंगे जैसे अभी हमने बोट पोज किया था, दोनों हाथों को इस तरीके से। आपको अपने हैंड्स को स्विंग कराना है इस तरीके से। जब आप अपने हैंड्स को स्विंग कराएंगे तो आपकी जो फेस है वो बिल्कुल सामने की तरफ रहेगा, आप सामने देखेंगे। आपके जो लेग्स हैं आप इनको ऊपर रेज कर सकते हैं तो इसका ज़्यादा इफेक्ट आपको नज़र आएगा। अगर आप नीचे रखना चाहते हैं तो आप नीचे रख सकते हैं। आपकी बैक में पेन है तो आप इसे नीचे रख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको बैक में पेन है तो आप इस राउंड को स्किप कर सकते हैं, आप रशियन ट्विस्ट मत करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रशियन ट्विस्ट। अपने लेग्स को ऊपर लेके जाएंगे और अपने हैंड्स को कुछ इस तरीके से 20 काउंट्स के लिए स्विंग कराएंगे। इजी, यानी कि 10 टाइम्स ईच साइड। इसको थोड़ा फास्ट करेंगे इसलिए मैंने इसको 20 काउंट्स रखे हैं। तो बोथ लेग्स अप एंड बॉडी बिल्कुल सीधी सामने, गर्दन सामने एक पॉइंट पर एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड डाउन। तो आइए करते हैं राउंड टू। लेग्स अप, बॉडी स्ट्रेट, लुक इन फ्रंट एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड डाउन। तो आइए इसका करते हैं थर्ड राउंड। अप एंड विल स्विंग्स आर आर्म्स, लुक इन फ्रंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स्ड। रिलैक्स करिए। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये डेली में इन सारी एक्सरसाइज को रिपीट करिए। जब आप रिपीट करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आप बाय चांस किसी दिन स्किप कर देते हैं तो आप इसको शाम को भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे मॉर्निंग में करें। आपको जब टाइम मिलता है बस इस एक्सरसाइज को करिए। जो भी मैंने आपको जितनी भी बेली फैट की एक्सरसाइज कराई है इसे करिए, आपको रिज़ल्ट 101% श्योर मिलेगा। जब आप एक्सरसाइज करेंगे ध्यान रखिएगा कि आपने जो लंच किया है या डिनर किया है या फिर आपने कोई स्नैक्स खाए हैं उसका जो टाइम गैप है वो आपका 1 आवर बिफोर रहे, बिफोर वर्कआउट 1 आवर, और आफ्टर वर्कआउट एटलीस्ट 40 मिनट्स। आप भी 40 मिनट के बाद कुछ भी खा सकते हैं। अगर आपको पानी की प्यास लगती है इन बिटवीन या वाइल डूइंग योगा एक्सरसाइज या फिर दिस एक्सरसाइज, तो आप गर्म पानी बीच में पी सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल पानी पीते हैं, आप नॉर्मल पानी पीना चाहते हैं, तो वर्कआउट के 20 मिनट्स के बाद ही पानी पीजिए। वर्कआउट से 20 मिनट्स पहले पानी पीजिए। तो वर्कआउट के बीच में पानी पीना है तो गर्म पी सकते हैं, नॉर्मल पानी पीना चाहते हैं तो वर्कआउट के बाद में 20 मिनट्स और वर्कआउट से पहले 20 मिनट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, इसके सेकेंड पार्ट के साथ। नमस्कार।